आस्था संबंधी प्रकरण का आपसी समझाइश से निस्तारण। ग्राम मानलिया हेड़ी के निवासी ब्रजराज सिंह राजपूत ने उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत मानलिया हेड़ी व जालिमपुरा के बीच स्थित है। पड़ोसी गांव मानलिया हेड़ी के जगदीश मीणा ने मेरे खेत पर आने जाने के आम रास्ते पर पत्थर डालकर आम रास्ते को बाधित कर रखा है। वह दीवार बना रहा है जबकि भूमि सरकारी है। प्रार्थी के उक्त कृत्य से मुझे खेत में ट्रैक्टर इत्यादि लाने ले जाने में परेशानी हो रही है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने प्रार्थी को जर्रे दूर भावेश न्यायालय में बुलाया गया। प्रार्थी जगदीश मीणा न्यायालय में उपस्थित हुआ और प्रार्थी की शिकायत से प्रार्थी जगदीश मीणा को अवगत कराया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी ब्रजराज सिंह के भाइयों ने वीर वास्ते की भूमि पर पत्थर कोट बना रखा है। भूमि की नाप करवाकर प्रार्थी के भाइयों को भी पत्थर कोट हटाने हेतु पाबंद किया जाए। मौके पर भूमि की नाप कराने के पश्चात रास्ते की जितनी भूमि पर मेरे द्वारा पत्थर डाले गए हैं उतनी भूमि को मैं खाली कर दूंगा। इस दौरान भूमि अभी निरीक्षक भेरूलाल व पटवारी अनूप चौधरी को जांच करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम के निर्देश पर भू अभिलेखा निरीक्षक भेरूलाल व पटवारी अनूप चौधरी ने मौके पर जाकर भूमि का नाप किया गया। वह जांच में सामने आया कि प्रार्थी ब्रजराज सिंह के भाई महावीर व राजेंद्र सिंह व प्रार्थी जगदीश प्रसाद मीणा ने रास्ते की भूमि पर पत्थर डालकर मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्षकारों के समक्ष भूमि को चिन्हित कर रास्ते में आ रहे पत्थरों को हटाने हेतु पाबंद किया गया। दोनों पक्षों ने 7 दिवस के अंदर अपने पत्थरों को हटाकर मार्ग को पूरे तरीके से खुलासा करने का आश्वासन दिया, अन्यथा प्रशासन द्वारा जबरन अतिक्रमण हटाकर पत्थरों को कब्जा राज कर लिया जा सकेगा। अब तक 53 रास्ते संबंधी मामलों का निस्तारण समझाइश से किया जा चुका है। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। कनवा, जिला कोटा, राजस्थान से खबर।